दोस्तों गुड आइम सी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ लीडर्स की मीटिंग थी आगरा में, जहाँ पे हमारे बहुत सारे नवयुवक जो नए नए जो एसोसिएट हैं वो जाकर वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली है और बहुत कुछ सीख कर आए हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ट्रेनिंग्स का जो मीटिंग्स का अपना एक महत्व होता है। आइए हम जानते हैं कि इन ट्रेनिंग से हमारे एसोसिएट ने क्या सीखा है, पहले वो क्या थे, अब वो क्या है, क्या इस मीटिंग से उन्हें कुछ फायदा मिला है, या ऐसी कोई मीटिंग वो आगे लेना चाहेंगे या एडवाइस देना चाहेंगे आपको कि ले या ना ले। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर बाबूलाल जी, जो अभी सुपरस्टार हैं, और इनका देखते हैं विजन क्या है। आइए इनसे बात करते हैं। गुड आइम जी दोस्तों। दोस्तों आगरा में जो मीटिंग रही वो बहुत ही जबरदस्त रही, और उसमें जबरदस्त मोटिवेशन और काम के बारे में ऐसी नॉलेज मिली जो आज तक मेरे को पहले से नहीं थी। इसमें यह है कि आप पुराने आदमी से रोजाना बार बार मिलोगे, बार बार जब मिलोगे तो आपको बिजनेस नहीं देंगे, आपको हमेशा नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, नए लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। हर बार एक नए आदमी से मिलोगे आप तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पुराने आदमी से जब बार बार जाते हो तो वो आपको देखता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन उसी से अगर मिले जाओगे तो आप क्या कर पाओगे, कब तक करोगे, वही पीछे उसके पे लगे रहो, लेकिन वो नहीं उठेगा। वो तब उठेगा जब आप उठ जाओगे। आपको उठने के लिए नए आदमी से मिलना पड़ेगा, और यही मेरी मीटिंग में सबसे बड़ी जो नॉलेज मिली वो यही मिली है। बहुत बढ़िया बाबूलाल जी। जैसे मिस मैंने ये मीटिंग ली है आगरा में, वो मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त रही, बहुत ही नॉलेज वाली मीटिंग रही। इसको मेरे को मोटिवेशन मिला और एक मोटिव मिला कि आईएमसी मेरे को क्यों करना चाहिए। तो आप भी अपनी डाउनलाइन में जब ऐसी मीटिंग्स में भेजोगे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, और मैं गारंटी के साथ ये बात बोलता हूँ कि आपका बिजनेस निश्चित तौर पर ग्रोथ करेगा, और आप भी इसके साथ में ग्रोथ करोगे। आप नई मीटिंग्स को, नई डाउनलाइंस को हमेशा ऐसी मीटिंग्स में भेजें, बार बार सेमिनार्स में अटेंड करवाएं, उनको नॉलेज दें ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करें। वेरी गुड बाबूलाल जी, वेरी गुड। गुड आइम जी दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मीटिंग क्यों लेनी चाहिए आईएमसी की। जब मैं मीटिंग से पहले जब मैंने मीटिंग ली थी, जो नॉर्मल मीटिंग थी, मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा था कि आईएमसी में इतना पावर है और इतना अपन कर सकते हैं ग्रोथ। लेकिन जब मैंने मीटिंग ली तो उसमें वहाँ मुझे पता चला कि जो नॉर्मल पर्सन है वो 10-15 लाख महीना वहाँ कमा रहे थे, और वहाँ इतने अचीवर्स थे कि आप देख नहीं सकते, उनकी कल्पना नहीं कर सकते। और आईएमसी कोई छोटे मोटे टारगेट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का टारगेट है। और आप जब जितना जल्दी आईएमसी में काम स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप इसमें ग्रोथ करोगे। प्रथम बात इसमें ये बताई जाती है कि आपको अगर आईएमसी में काम स्टार्ट करना है तो पहले प्रोडक्ट खुद यूज करने हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लेना। एक एक प्रोडक्ट का अगर अपन गहराई से नॉलेज ले तो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 आईएमसी का प्रोडक्ट है, और ये मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। और इस मीटिंग के बाद में जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं और जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़ेंगे, वो प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में मैं उनको गहराई से नॉलेज दूंगा, और क्यों क्यों आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, उसके अंदर और आम प्रोडक्टों में क्या अंतर है। कोई भी प्रोडक्ट बता दीजिए आप। अब नॉर्मली मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल अगर अपन बात करें इसकी, तो जितने भी टोटल वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जो सर्च किया है, उसके अंदर राइस ब्रैन ऑयल पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ऑयल है। और राइस ब्रैन ऑयल लोग कहते हैं कि काफी कॉस्टली है, लेकिन राइस ब्रैन ऑयल ओलाइव ऑयल को फैल करता है, और वर्ल्ड के अंदर राइस ब्रैन ऑयल इंडिया से ले जाया जा रहा है। जो भूसी आती है उसकी, चावल की उसके साइड से निकलता है ये, उसके अंदर एक स्पेशली आती है वो चीज, उससे ये निकाला जाता है, और ये पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, और काफी कॉस्टली, ओलाइव ऑयल से ज्यादा कॉस्टली ये बिक रहा है। और इसके कई फायदे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, और इसके पूरा एक 10 मिनट का वीडियो मैं आपको स्पेशली बना के दूंगा ग्रुप के अंदर। अपने डाउनलाइन से बात करते हैं, डाउनलाइन को क्यों मीटिंग बताना चाहेंगे। बिजनेस की बात मैं इस प्रकार करना चाहूंगा आपसे, जो अपने डाउनलाइन है वो एक्चुअली क्या है, हम जब तक मिलते हैं उनसे, जब तक बताते हैं तब तक तो वो मोटिवेट रहते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा उनके पास में कंपनी का प्लान लेके आता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और आईएमसी के प्रोडक्ट को एक नॉर्मल प्रोडक्ट समझ लेते हैं। और उनकी उनसे जब बिजनेस नहीं होता तो उनकी शिकायत ये रहती है कि प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट कॉस्टली है, इसकी क्वालिटी कम है, लेकिन उनको हकीकत तब पता चलता है जब वो खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो दोस्तों डाउनलाइन को हमेशा डॉक्टरों की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भेजना चाहिए, ये पहला काम है आपका। क्योंकि अगर डाउनलाइन जो काम कर रहे हैं वो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं जानेंगे, उसके पावर के बारे में नहीं जानेंगे, तो कभी आईएमसी में सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि आईएमसी में मेन डीमोटिवेट होने का कारण ये है कि लोग काम तो स्टार्ट कर देते हैं, आईडी तो लगा देते हैं, लेकिन खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते और डीमोटिवेट होते हैं। श्योर। तो दोस्तों आईएमसी का छोटा सा प्रोडक्ट
काफी रिसर्चेबल होके वर्ल्ड का नंबर वन प्रोडक्ट है वो, और जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल हटके हैं। आप तोमन तली एक प्रोडक्ट आया है, उसका इस्तेमाल करना और उसके बारे में रिसर्च करना, क्योंकि ये दुनिया का नंबर वन प्रोडक्ट है और आपकी जितने भी जीवन के अंदर जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। जो भी आपके 30 साल की उम्र के बाद में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो 24 साल के बाद में जो बच्चों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है आलस्य की, और जानते हो मैं उस बात को ग्रुप के अंदर कहना नहीं चाहता, वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। और दूसरों जो घुटनों में दर्द एक्स्ट्रा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है वो सारा उस आपको उस प्रोडक्ट से मिलेगा, और प्रोडक्ट की रेंज भी बिल्कुल कम है। उसमें दुनिया की ऐसी ऐसी जड़ी बूटी डाली गई है उस प्रोडक्ट के अंदर कि वैसा प्रोडक्ट दुनिया में बना ही नहीं है, और ये प्रोडक्ट तहलका मचाने वाला है दोस्तों। नवंबर के अंदर लॉन्च होगा और आम लोगों की जो इंडिया के आम पॉपुलेशन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। ऐसी मीटिंग्स में आपकी टीम को जाना चाहिए? ऐसी देखो हमारे सीनियर कह रहे हैं कि ऐसी मीटिंग में टीम को जाना चाहिए। देखो ऐसी टीम में अगर नीचे वाले टीम लीडर अगर नहीं गए तो वो अपने आप के साथ में दोगा कर रहे हैं सबसे पहले। वो खुद अपने आप के साथ दोगा कर रहे हैं, उनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो जीवन में किसी भी जगह कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों, चाहे वो सीनियर लीडर हो चाहे वो नीचे वाला लीडर हो, और वो सक्सेस नहीं होगा। ये मैं आपको लिखित में दे दूंगा, अगर उसको सक्सेस होना है तो एक बार आईएमसी की डॉक्टर मीटिंग और ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी उसको, और ये उसके लिए उसके जीवन का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए, तभी वो आईएमसी में सक्सेस होगा, नहीं वो किसी भी जगह सक्सेस नहीं होने वाला। गुड एंजी दोस्तों इस मीटिंग में काफी हमारे को नॉलेज मिला है, हमारी डाउनलाइन क्यों काम नहीं कर रही इसका नॉलेज दिया वहाँ पे हमारे को, और इसका एक ही रीज़न है क्योंकि उनको नॉलेज अभी उनका लक्ष्य नहीं है। पहले तो लक्ष्य हमारे को मजबूत बनाना है, हम क्यों कर रहे हैं एमसी को, एक लक्ष्य होना चाहिए हमारे को। दूसरी बात, अपने को हर कोडेट की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि पेशेंट को अगर हम बताएं तो पेशेंट को 100% फायदा होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं अपने जैसे डाउनलाइन कोडेट दे देते लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो फायदा नहीं आता। कैसे आएगा फायदा, डॉक्टरों की मीटिंग नहीं अटेंड करते, अगर मीटिंग अटेंड करेगी तो उनको फायदा आएगा, कैसे क्या दवाई देनी पड़ेगी। और हम जब प्लान देने जाते हैं डाउनलाइन प्लान देने जाती है तो कब तक जाएगा सीनियर, कब तक जाएगा सीनियर, डाउनलाइन को पूरा 2-4 बार देखना, कॉफी करना, सीनियर की कॉफी करनी चाहिए, मतलब कैसे ही प्लान देता है उसी हिसाब से। अगर वो ये डुप्लीकेट का बिजनेस है, ये डुप्लीकेट का बिजनेस है, इसे डुप्लीकेट के अगर तरह अपन कॉफी करेंगे तो बिल्कुल 100% गारंटी की बात है आप सबसे के होंगे। इसी के साथ मैं आपको गुडायन सिंह। तो दोस्तों आपने सुना, ये थे मेरे इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स जो कि अपनी पूरी जी जान से ट्रेनिंग लिए और बहुत कुछ सीख कर आए, और आशा करता हूँ कि ये लोग अपने मिशन को ज़रूर पूरा करेंगे और अपनी टीम को भी सिखाएंगे। आइए अब जानते हैं कि इन लोगों का मिशन क्या है, जो ये ट्रेनिंग में गए हैं इनका मिशन क्या है, इस साल इनको क्या कौन सा एक डेजिग्नेशन आईएमसी में लेना है, कौन से पद पर इनको जाना है, इन्हीं के मुंह से सुनते हैं अपन। सबसे पहले बाबूलाल जी। हाँ जी बाबूलाल जी। गुड आईएमसी दोस्तों, मीटिंग से पहले मेरा मोटिव था वो अच्छा था लेकिन मैं काम जो कर रहा था उसके रिजल्ट क्रिएट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मैं अब मीटिंग से आने के बाद में मेरा अपने आप से ये वादा है कि मैं 31 दिसंबर 2017 को 44 लेवल अचीव करके ही नए साल में प्रवेश करूंगा और रूबी स्टार बनके इस कंपनी में एक अच्छा इनकम प्राप्त करूंगा। बहुत बढ़िया शानदार। आओ जी मीणा जी। आओ मीणा जी, अभी आप बताइए आपका मिशन क्या है इस साल का। गुड आइम जी दोस्तों, मेरा मिशन स्टार्ट होता है आज से और कल से। मैं इसके अंदर देखो ज्यादा हाई लेवल की बात नहीं करता, सीपी क्राउन तो बहुत आगे जाता है, लेकिन मैं इतना कोशिश करूंगा इसके अंदर। मेरा मेन मिशन 31 मार्च 2018 को थाईलैंड की टिकट लेना है, और वो मेरे को पता है कि उस पर मिलता है या तो चेयरमैन बनने पे या कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा जो सिस्टम बनाया गया है उसके जरिए। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर 2018 के अंदर जब मैं प्रवेश करूँ तो मेरा मेन जो मेरा यानी मेन जो मेरी वो पोजीशन हो वो एक 44 लेवल की हो, और मैं तो ये भी रूबी बनना चाहते हैं। ओके वेरी गुड। सुरेश जी आप क्या बनना चाहते हैं? बड़ा अच्छी दोस्तों 2017 का मेरा लक्ष्य है कि मैं रूबी मेंटेन करूँ, और मेंटेन करके मैं 2018 में चेयरमैन बनके बताऊंगा मैं आपको, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बढ़िया है दोस्तों, देखा आपने मोटिवेशन। दोस्तों इसी तरह से आप मीटिंग लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो आज ये 44 की बातें कर रहे हैं, अगर ये मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि 18 के पहले महीने में ये चेयरमैन भी बन सकते हैं दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है। ओके दोस्तों, गुड एमसी।